मेरा नाम भूरी बच्चन है और ग्राम पुंजापुरा की रहने वाली हूँ और मैं मध्य प्रदेश हमारा जिला देवास जिला से आई हूँ और मेरे जो जो बचत समूह के ऊपर हम काम करते हैं तो 20 लोगों का ग्रुप रहता है तो उसमें महिलाओं क्या कि पहले लोग क्या करते थे कि पैसे का जरा भी आमदनी नहीं करते थे, चाहे वो लाखों या अरबों रुपए कमाएंगे तो घर में बचत नहीं रहती थी। तो हमने एक ये सोच बनाई कि हम 50 रुपए से हमने शुरुआत की तो आज हम 200 रुपए महीने का बचत कर रहे हैं, तो महिला बचत कर रही हैं। तो इसके बाद में हमने हमारे देश के जो पहले वाले जो बुढ़ा वाड़ा लोग खाते थे तो ये सारी चीज़ हट के जा रही थी, तो इसलिए हमने कहा कि अगर ये चीज़ें सब भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी तो नहीं समझेगी ना कि मम्मी क्या खा रही क्या नहीं, और पोषण भी हट रहा है। तो अगर हम ये चीज़ का उपयोग करने के लिए हमने ये सारी हमारी कोशिश है कि चौली की सब्जी, रजान की सब्जी, ये कुंजरा की सब्जी, उदरकली की सब्जी, पमोड़िया की सब्जी, माटिया की सब्जी, तो ये कि स्वाद के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर ये सब्जी अगर खाएंगे तो अपना बच्चा अपन अगर जो 100 साल जिएंगे तो अपन अगर ये चीज़ नहीं खाएंगे तो अपन 50 साल में ऊपर की दिशा चले जाएंगे, तो अगर हम ये चीज़ें खाएंगे तो हम और भी 100 साल जिएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश जारी है कि हम हमारे जो देश में मध्य प्रदेश में जो मिलती है MP में तो हम ये चीज़ के ओर जा रहे हैं। क्या स्पेशल है आपके पास, आप ये लाए थे लाए ना? ये हमने स्पेशल लाए हैं 4 वैरायटी की ज्वार है, चने हैं, मूंग है, लाल तुअर है, उड़द है और कमल गटान, बस्ता, अमाड़ी भाजी, तिल, राला, बैगन, ये जाम है, मक्की। ये पूरा एक ही वैरायटी है मक्की? हाँ, ये एक ही वैरायटी है। दो वैरायटी की मक्की आती है, तो जैसे कि ये रोटी ये माँ के पास में है वो अलग वैरायटी है। और इसके बाद में ये जो तेंदू पत्ते जो बीड़ी बनती है उसका ये फल है, तो फल ये पक जाते हैं तो चीकू टाइप लगता है। और इसके बाद में ये महुआ, ये महुआ का फूल है और ये उसका बीज है, तो ये दोनों को बारिश में जब मानसून पड़ता है तो ठंड लगती है अपने को, तो दोनों को सेक कर फ्राई कर खाते हैं तो अपने शरीर के अंदर गर्मी आती है। ये चना है ना? हाँ, ये चना है। चना के साथ खाते हैं? हाँ, हाँ, चना के साथ खाते हैं। पककर खाते या कैसे है उसको, मतलब कि सेकते हैं गैस के ऊपर तो खाते हैं। और ये है चारोली, चारोली सेहत, गोंद, ज्वार लड्डू। ये एक किस पेड़ का गोंद? ये धवड़ा, ये धवड़ा का गोंद है। तो जैसे बेबी अगर आते हैं तो बेबी आने के बाद में लड्डू बनाकर हम लोग खा सकते तो तंदुरुस्त रहते हैं। ये ज्वार लड्डू चीनी, ज्वार लड्डू रोटी चूरमा लड्डू, ये तिल लड्डू, और ये हमारे देश की बोर है। तो ये सारी चीजों हम उपयोग करने के लिए कि हम और की दिशा ले जाएंगे। आपके ग्रुप में कितने औरत हैं? हमारे ग्रुप में 20 लोगों रहते हैं। एक ग्रुप में 20 लोग? हाँ, 20। ऐसा कितने ग्रुप है ऐसे? करीब हमारे जैसे कि अलग अलग लोकेशन रहते हैं, तो हमारा जो लोकेशन है 26 गांव है, 15 पंचायत है और 2200 लोग का हमारा ग्रुप है। तो हम जैसे कि जो ये मक्खी है टोटल
टोटल तो हम लेकिन 40,000 महिला हैं, 40,000 महिला हैं, तो उनके साथ में हम, हमारा 9 लोकेशन है, 2 जिलों में, देवास जिला, खरगोन जिला में हम काम करते हैं। तो हम जैसे कि गेहूं, चना, मूंग, लाल तुअर और मक्की, जैसे कि हमारा कंपनी है राई रहीम प्रोड्यूसर कंपनी, तो हमारी जो कंपनी है हैदराबाद में भी है, तो हम जो माल सप्लाई करते हैं तो आटा बनकर आते हैं, और पूरी हमारी जो खेती है जो महिला है वो एमपीएम एमपीएम मतलब कि जीबीएम खेती हमारी है, तो ये हम करते हैं, ना दवाई छींटते हैं ना खाद डालते हैं, हम घर पे ही 5 पत्ती काढ़ा की दवाई बनाते हैं और खाद भी हम घर पे ही बनाते हैं, नाडब 4 चक्री ये सारे खाद हम घर पे ही बनाते हैं, तो हम ये खेती करते हैं। अब आप सब लोग इकट्ठा काम कर रहे ना? हाँ। इसके पहले आपके पास आमदनी भी नहीं था? नहीं था। काम भी नहीं था? नहीं था। आपको कुछ भी नहीं था आपके पास? हाँ, कुछ आप, भी आप पूरा आपके पास है, आपके हाँ, हाथ में है। हाँ, पूरा आप हाथ में। आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे हैं, आपको कैसे लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है कि जैसे कि हम ये काम को और भी आगे ले जाने की हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि बाहर जाएंगे तो महिलाओं को आगे लाएंगे, नहीं तो महिला एक दूसरे से बात करने लायक काबिल नहीं थी, आज चाहे कलेक्टर हो या सीएम हो या डीएम हो उसे हम नहीं हटते, आमने सामने बैठकर बात करते, चाहे 15,000 या 20,000 संख्या होती उसके सामने हम मंच पे जाकर ऐलान कर सकते हैं, और सरकार के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं। जैसे कि ये जो चीजें हैं तो हमारा मध्य प्रदेश में जो आदिवासी करके जाती हैं, तो अधिकतर जो मार्केट की जो चीजें हैं वो नहीं खरीदते हैं, क्योंकि खरीदेंगे तो पैसा ज्यादा दाम बाहर जा रहा है ना, तो घर पे हम मार्केट से ये जो खरीद के लिए आते हैं, और ये चीजें हमारी सारी चीजें टोटल हाथ से बनाकर पहनती हैं। कला है लोगों, ये एक कला है, क्योंकि जैसे मैं हूँ बुरी भाई तो मैं क्या करती हूँ, तो जैसे हमारी सारी जीजिया की अपनी अपनी कला है, कौन सा आइटम क्या है वो भी बता, कैसे बना ये, जो कैसे पहनते आप इसको, ऐसे करके जो बकल है इस प्रकार से बकल लगाते हैं, और ये है जो गले का दूल है, और जो ये है जैसे कि शादी होती है ना, शादी होती तो अपन दुल्हन को जो सजाते हैं इस प्रकार से ये पीछे इसे ये लगता है ना? और ये है जो हम ये हमारे जो महिला जो हैं इनका फेवरेट ज्वेलरी है, हाँ ज्वेलरी है, तो ये 3 प्रकार का है, और ये भी जो हमारी जो आजे बूढ़ी जो दादियां रहती हैं वो लोग का बहुत फेवरेट चीज है, तो घर पे ही बनाती हैं, मतलब कि ऐसे करके वो पहनती हैं, है ना, और ये जो ये ऐसे पायल पहनते हैं, तो जैसे कि जो फागुन का जो महीना आता है, होली का महीना आते है ना, तो उस होली के जो मार्केट लगती है उसको बोलते हैं भंगूरिया, तो भंगूरिया हम पहन के जाते हैं, तो आदिवासी लोग ढोल पे मतलब कि बेहतरीन नाचते हैं ऐसे पेन पेन को ऐसे, तो ऐसे काम करते हैं हम। होली के भेजो चीटी में तुम आओगे कौन सी छुट्टी में, मैं लिख भेजो चीटी में तुम आओगे कौन सी छुट्टी में, वो बनी काए को लिख रही चीटी में, मैं आऊंगा गर्मी की छुट्टी में, बनी काए को लिख रही चीटी में, मैं आऊंगा
बाल्टी में तुम आओगे कौन सी बाल्टी में, मैं लिख लिख भेजू बाल्टी में तुम आओगे कौन सी बाल्टी में, बनी काय को लिख रही बाल्टी में, मैं आऊंगा पहली पाल्टी में, बनी काय को लिखती बाल्टी में, मैं आऊंगा पहली पाल्टी में, मैं लिख लिख भेजू पसासा में तुम आओगे कौन सा तमाशा में, मैं लिख लिख भेजू पतासा में तुम आओगे कौन सा तमाशा में, ओ बनी काय को लिखती पतासा में, मैं आऊंगा पहला तमाशा में, बनी काय को लिखती पतासा में, मैं आऊंगा पहला तमाशा में, बनाकर बना को लिखती है, बना बना हस्बैंड, तो तुम काय को लिख रही हो चिट्ठी पे, मैं आऊंगा गर्मी की छुट्टी में, इसका ये है, और मैं लिख लिख भेजती हूँ बाल्टी में, और तुम आओगे कौन सी पाल्टी में, तो अगर मैं लिख के भेज रही हूँ तो अब मैं हम हैदराबाद जाए तो एक ये समझो कि पाल्टी है, तो मैं आ गया हूँ पहली पाल्टी में, ये और पतासा का कारण है कि मैं लिख लिख भेजती हूँ पसाता में, और मैं आऊंगा पहला तमाशा में, जैसे कि फिल्म है, आज वो फिल्म लग रही हूँ तो आज मेरे को वहाँ जाना है, तो इस प्रकार से ये कहना।